अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड शरबत। काफ़ी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम जेली बनाएंगे। मैं इसमें जेली भी ऐड करने वाली हूँ। तो 2 कप मैंने पानी ले लिया है, इसमें 1/2 कप शुगर ऐड कर रही हूँ मैं, ताकि जेली में भी थोड़ी सी मिठास आ जाए, फीकी फीकी ना लगे। और शक्कर ये देखिए मेल्ट हो चुकी है और पानी भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जेली ऐड कर देंगे। ये मैंने रसबेरी की जेली ली है, 2 टेबल स्पून, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। तो विस्क की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि लम्स वगैरह इसमें ना रहे। बिल्कुल प्लेन जेली हमें रेडी करनी है बनाकर। तो ये देखिए लो फ्लेम पर मैंने इसको कुक किया, ये हल्की हल्की थिक होना शुरू हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको कोई भी डिश, आप जो भी डिश में इसको जमाने वाले हैं उस डिश में इसको पोर कर दीजिए। अब इसको फ्रीज में रख देना है 1/2 घंटे में। जेली अच्छी तरह से जमकर रेडी हो जाती है, आप चाहे तो फैन के नीचे भी उसको रख सकते हैं। तो अब हम शरबत बना लेते हैं। 2 कप मैंने मिल्क ले लिया है, 2 कप यानी 500 ml मिल्क का शरबत बना रही हूँ मैं। दूध में हम बॉईल आने देंगे। ये मैंने टेट्रा पैक का मिल्क यूज़ किया है, ये काफ़ी फ्लेवरफुल होता है। तो शरबत वगैरह के लिए आप इसी दूध का यूज़ कीजिए, इससे शरबत काफ़ी टेस्टी बनते हैं। इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट इसका शरबत भी बना सकते हैं। बट अभी हम कस्टर्ड शरबत बना रहे हैं, जिसके लिए हमें कस्टर्ड को पकाना है, इसलिए मैंने दूध को बॉईल कर लिया है। उबाल आने के बाद इसमें 1/2 कप मैंने शक्कर ऐड की है। शक्कर को अच्छी तरह से घुलने तक इसको मिक्स करते रहेंगे। तो शक्कर घुल चुकी है, 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा पानी डालकर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको कंटिन्यू लो फ्लेम पर पकाएंगे, ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है, क्योंकि हम शरबत बना रहे हैं, कस्टर्ड नहीं बना रहे हैं। तो हल्का सा मैं जब ये ठीक होने लगे तब हम इसको बंद कर देंगे गैस को। ये थोड़ा सा कस्टर्ड रह गया था कटोरी में, तो मैंने उसमें भी दूध को ऐड करके डाल दिया है। तो ये देखिए हल्का हल्का थिक हो चुका है, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि फ्रीज में ठंडा हो जाए। और 1/2 घंटे के बाद देख सकते हैं आप, जेली हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है मैंने, चौकोन शेप में। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से जेली बनकर तैयार हुई है। शरबत भी ठंडा हो चुका है, इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे। अगर आप आइस क्यूब्स इसमें नहीं डाल रहे हैं तो आप इसमें 1 कप पानी डाल दें, जब आप शरबत को बना रहे थे तब। अब इसमें सब्जा ऐड कर देंगे, 3 टेबल स्पून सब्जा ऐड कर देंगे। काफ़ी अच्छा होता है सब्जा, पेट को ठंडक देता है, तो इसमें ज़रूर ऐड कीजिए। गर्मियों का भी मौसम है, तो बहुत ही मज़े की और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब इसमें जेली ऐड कर देंगे, जेली आपको जितनी पसंद है, ज़्यादा या कम आप उतना ऐड कर सकते हैं इसमें। मैंने सारी जेली इसमें ऐड कर दी थी। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी। तो सारी जेली मैंने इसमें ऐड कर दी है, बहुत ही मज़े का रिफ्रेशिंग सा हमारा कस्टर्ड शरबत बनकर रेडी है। इसको हम ग्लासेस में पोर कर देंगे और बिल्कुल चिल्ड ठंडा ठंडा आपको इसको सर्व करना है। ये देखिए जेली भी कितनी अच्छी अक्खी अक्खी शेप में आई है, बहुत ही मज़े का शरबत है ये, ज़रूर आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब इसको ग्लासेस में निकाल लेंगे हम।
ग्लासेस में मैंने इसको सर्व कर दिया है। हमारा बहुत ही मज़े का रिफ्रेशिंग सा कस्टर्ड शरबत बनकर रेडी है। अगर आपको व्यूवर्स मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।